देश की अखंडता, एकता और भाईचारा सभी चीजों से ऊपर है और जो इस पर सवाल या निशान खड़ा करते हैं उनका सटीक उत्तर देना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं रमा सोलंकी, आप देख रहे हैं विश्वास न्यूज। आज एक खबर हम जो ले रहे हैं वो सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक और ट्विटर पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसमें एक कश्मीरी युवा को कुछ शख्स पीटते हुए नजर आ रहे हैं और ये दावा किया जा रहा है कि जो लोग इसकी पिटाई कर रहे हैं वो लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज हम अपनी जांच पड़ताल में आपके आगे खुलासा करेंगे कि आखिरकार इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। फेसबुक और ट्विटर पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है और जो ये तस्वीर है वो लखनऊ में एक कश्मीरी युवक की पिटाई के बाद जो लोग अरेस्ट हुए थे ये उनकी तस्वीर है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि ये लोग जिन्होंने कश्मीरी युवक की पिटाई की है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने इस खबर को उठाया और पूरी जाँच पड़ताल की और तमाम तकनीकी टूल लगाने के बाद हमने इसकी सत्यता की पूर्ण जांच की। सबसे पहले हमने जानने की कोशिश की कि ये तस्वीर कहां से वायरल हुई, किस यूजर अकाउंट से वायरल हुई और पुलिस के साथ जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये पुलिस का ट्विटर हैंडल असली है कि नकली है और ये कब आया। 3 तारीख इसमें बहुत जरूरी है, यानी कि 6 मार्च, 7 मार्च और 8 मार्च। 6 मार्च को एक प्रतिष्ठित अखबार इस खबर के बारे में लिखता है। वहां से ये खबर शुरू होती है कि किस तरीके का माहौल वहां बन रहा है। उसके बाद 7 मार्च को खुद पुलिस यानी कि लखनऊ पुलिस अपने सोशल अकाउंट से ट्वीट करती है यही तस्वीर और बताती है कि इस पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करने के बाद जब ये तस्वीर हमारे सामने आई तो हमने सबसे पहले सोशल मीडिया का अकाउंट पुलिस का सर्च किया, उसमें हमने इस ट्वीट को खोजने की कोशिश की। हमें ये ट्वीट और सूचना नजर आ गई और साथ ही साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें मिली जिसमें पुलिस ने इस पूरी मामले की जांच पड़ताल और धाराओं की बात की कि क्या अरेस्टिंग हुई है और क्या मामला दर्ज किया गया है। तो पहला मजबूत जो सबूत है वो हमारे हाथ में लग गया। दूसरा, ये सोशल मीडिया के उसमें हुई तो हमने ट्विटर हैंडल्स को और साथ ही साथ फेसबुक यूजर्स की असलियत को जानने की कोशिश की कि कब हुआ। तो हमारे हाथ में एक तारीख आई, 8 मार्च। 8 मार्च वाले दिन एक फेसबुक यूजर इस तस्वीर को अपलोड करता है और अपलोड करने के बाद कुछ ऐसी चीजों को लिखता है जो भड़काने वाली होती हैं और यहीं पे ये चीज सामने भी आ जाती है कि चीजें जो भड़काने वाली बोली जा रही हैं वो कितनी सच है। और जिसमें ये बताया गया कि लखनऊ में भगवा वस्त्र पहनकर कश्मीरी युवक को पीटने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले और एक विशेष समुदाय को बहुत सारी चीजों को टारगेट करने को भी कहा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ से शक होना शुरू हो गया। फिर हमारे हाथ में वो लोग पड़े जो फेसबुक यूजर थे जिन्होंने इन तस्वीरों को बहुत तेजी से वायरल किया और वायरल करने के बाद देखिए कि बहुत सारी चीजें आई। इस अकाउंट के बारे में पता चला, बजरंग सोनकर नाम का एक व्यक्ति था जिसने फोटोग्राफ्स के साथ इस चीज को डाला, हिमांशु अवस्थी, कई सारे ऐसे लोग आते जा रहे थे जो ये वायरल कर रहे थे और तमाम चीजों को बोलते हुए जा रहे थे। तो इसके बाद हमने स्कैनिंग करने के बाद पता करा कि ये तस्वीर एक गलत हेडलाइन के साथ, एक गलत खबर के साथ वायरल की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों से भी जब बात हुई उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस मामले पे कार्रवाई हुई और देखिए तस्वीर क्या सामने निकल करके आई। इसमें हमने गूगल रिवर्स इमेज टूल का प्रयोग किया, वीडियो की जांच पड़ताल के लिए इनविट का प्रयोग किया और अपनी सूझबूझ यानी विश्वास टीम ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा, अधिकारियों से संपर्क साधा, तो बात सामने निकल करके आई कि ये जो कार्यकर्ता थे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नहीं थे। ये एक ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट पूरा वहाँ पर रजिस्टर हुआ था, उस ट्रस्ट के लोग थे जिन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहन करके ये उत्पात मचाया था। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये जो लोग थे ये एक ट्रस्ट बना करके ये काम करते रहे हैं या इस तरीके की इनकी फितरत रही है। पुलिस ने साफ कह दिया कि ये किसी पार्टी के लोग नहीं हैं, ये इन्हीं लोगों की अपनी कारिस्तानी है जो ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके सामने आ गई कि खबरों की जांच पड़ताल जरूरी है और विश्वास न्यूज ने इस खबर को झूठा साबित किया। कितना आसान होता है सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल कर देना, लेकिन यकीन मानिए अगर थोड़ी सी सूझबूझ और समझदारी दिखाई जाए तो हम सच्ची खबरों को पहचान सकते हैं।
और इस बात को ध्यान देकर सोचना चाहिए कि जो खबर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास आ रही है उसकी सच्चाई क्या है। विश्वास न्यूज़ ने इस खबर की जांच पड़ताल की और ये साबित कर दिया कि ये जो खबर वायरल हो रही है ये झूठी है, यानी कि पूरी तस्वीर झूठी निकली। तो आपका भरोसा हमारा विश्वास है, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है।